फिल्मों में ही नहीं नेटवर्थ में भी सनी पाजी का है काटा है गदर, अरबों के मालिक हैं अभिनेता सनी देओल। बॉलीवुड की दुनिया में वो सितारे हैं जो दर्शकों के दिल पर बिना किसी शर्त के राज करते हैं। शानदार अभिनय की बात की जाए या दमदार आवाज की या फिर बॉडी बिल्डिंग की, इन सभी में सनी देओल नंबर वन पर आते हैं। सनी की फिल्में जब सिनेमा घरों में लगती हैं तो उनकी कड़कती आवाज से थिएटर तक हिल जाते हैं। पर्दे पर एंग्री यंग मैन की छवि वाले सनी देओल ऑडियंस के बीच एक बार फिर से अपनी लोकप्रियता बढ़ा रहे हैं। आइए दोस्तों इस 2.5 किलो के हाथ वाले अभिनेता की नेटवर्थ पर भी एक नजर डालते हैं। सनी देओल का अपना एक अलग ही फैन बेस है। पिछले साल उनकी फिल्म गदर 2 ने शानदार सफलता हासिल की। अभिनेता ने शुरू से ही फिल्मी पर्दे पर अपनी एक एंग्री यंग मैन वाली छवि बनाई और खलनायकों की छुट्टी की। सिर्फ पर्दे पर ही नहीं उनकी कई फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर भी धमाका किया। सनी देओल उस परिवार से आते हैं जो अभिनय की दुनिया से ताल्लुक रखते हैं। उनके भाई बॉबी देओल और पिता धर्मेंद्र दिग्गज अभिनेता हैं। कहा जाता है कि सनी देओल अपनी फिल्मों के लिए मोटी रकम वसूलते हैं। सुपरहिट फिल्म देने वाले अभिनेता रिपोर्ट्स के मुताबिक एक फिल्म के लिए करोड़ों चार्ज करते हैं। कहा तो ये भी जाता है कि वो फिल्म में होने वाले मुनाफे में भी हिस्सेदार होते हैं। बता देते हैं कि सनी केवल एक अभिनेता ही नहीं है, वो एक बिजनेसमैन भी हैं और सांसद भी रह चुके हैं। ये पता चलते हैं कि न सिर्फ फिल्मों से बल्कि अभिनेता के पास उनके बिजनेस से भी पैसे आते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने अपनी फिल्म गदर 2 के लिए 8 करोड़ रुपए लिए थे। बता देते हैं कि अभिनेता के पास आलीशान घर के साथ खेती वाली जमीन और फार्म हाउस भी हैं। अभिनेता की कुल संपत्ति की बात की जाए तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये 130 करोड़ रुपए है। इसमें 20 करोड़ रुपए से ज्यादा की खेती वाली जमीन है। अभिनेता अभिनय के अलावा अपना प्रोडक्शन हाउस भी चलाते हैं। उनके पास डबिंग स्टूडियो भी है। अभिनेता एंडोर्समेंट के जरिए भी कमाई करते हैं। उनके परिवार के पास कई बड़े रेस्टोरेंट्स भी हैं। खैर दोस्तों, आपको ये भी बताना चाहेंगे कि सनी देओल जो है वो उनकी फिल्म जब से गदर 2 रिलीज हुई है उसके बाद से ही उनकी अभी तक कोई फिल्म हमें सिनेमाघरों में देखने के लिए नहीं मिली है, तो ऑडियंस उनकी अपकमिंग फिल्मों का भी बेसब्री से इंतजार कर रही है। खैर दोस्तों, अब आपका इस सबको लेकर क्या कहना है, आपकी क्या राय है, अपनी राय आप कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज बेल आइकन दबा दें। धन्यवाद दोस्तों।